इंसान जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। क्या बॉबी पर लगेगा दाव? कहाँ बिजी है सैफ? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त शीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। रेस 4 की तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। मेल एक्टर्स फाइनल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मूवी की स्क्रिप्ट से लेकर कास्टिंग और बाकी लॉजिस्टिक का काम बाकी है, जिसको पूरा करने में पूरी टीम साथ में काम कर रही है। इसी बीच फिल्म के राइटर सिराज अहमद से मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछ लिया गया कि मूवी का काम कहां तक पहुंचा। उस पर सिराज अहमद ने मीडिया को बताया है कि वो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो एक महीने पहले स्क्रिप्ट लिख चुके थे, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, इसलिए अब वो इस स्क्रिप्ट में चेंजेस करने का काम कर रहे हैं। एक बार ये पूरा होते ही मेकर्स कास्ट फाइनल कर देंगे और मूवी की शूटिंग चालू हो जाएगी। रेस 4 की कास्टिंग को लेकर ना जाने कितनी ही बातें हर दिन सुनने में आ रही हैं। सलमान खान और सैफ अली खान के फाइनल होने के बाद अब एक और बॉलीवुड एक्टर का नाम सुर्खियों में आ रहा है, जो कि है बॉबी देओल। हाल ही में बॉबी OTT पर छाए हुए हैं। आश्रम सीरीज का नया सीजन आने के बाद से ही बॉबी सुर्खियों में थे, लेकिन फिर अब एक महीने के ब्रेक के बाद उनका नाम मीडिया के सामने आया है। अब बॉबी का नाम सामने आने की वजह दो है। एक तो रेस 3 की बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद भी बॉबी की हर जगह लोगों ने सराहा है, और OTT पर हाल ही में आई उनकी सीरीज में उन्होंने अपनी एक्टिंग का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब फिल्म के मेकर्स उनको मूवी में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सैफ अली खान रेस फ्रेंचाइज के साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं, और इस बार भी वो मेकर्स की पहली प्रायोरिटी हैं। फिल्म पर काम शुरू होने ही वाला है, लेकिन अभी सैफ के पास डेट्स की कमी है, क्योंकि फिलहाल वो आदि पुरुष नाम की मूवी पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद सैफ हम तुम 2 की तैयारी में लगने वाले हैं, और साथ ही सैफ अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट सीक्रेट गेम 3 में भी लगे हुए हैं। अब आप हमें कमेंट पे बताइए कि बॉबी इस मूवी का पार्ट होंगे या नहीं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसी कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।